11 साल उनको हो गए। ये हमारे हमको ये एक मनौती थी हमारे घर में, और ये मैं सबसे पहले तो पूरे देश को प्रणाम करता हूँ, अपने देशवासियों को प्रणाम करता हूँ, भोजपुरिया जहान को प्रणाम करता हूँ। ये 11 साल हो गए गणेश जी को। मैं शिव भक्त रहा, लेकिन हुआ ये कि हमको पुत्र की प्राप्ति नहीं थी, क्योंकि सब लोग चाह रहे थे कि पुत्र भी हो जाए, और सोमवार के दिन पुत्र की प्राप्ति हुई अचानक, जो कि हम लोगों को उम्मीद नहीं थी। तब से ये मनौती थी, एक मान्यता थी कि गणेश जी आए, क्योंकि मैं शिव भक्त हूँ तो गणेश जी भगवान भेजें, तो हमारे घर में गणेश जी हम लोग रखने लगे। और ये 11 साल हो गए, बड़ा आनंद आता है वो जब आते हैं तो, और बड़ा जीवन इतना आनंदमय हो जाता है कि मैं आपको क्या बताऊं। इनकी सेवा करना, ईश्वर की सेवा करना, ये मौके बहुत कम मिलते हैं। ईश्वर ने हम लोगों की इतनी सेवा की, हम लोगों को ऐसे साल में 2-4 दिन या 6 दिन 8 दिन मिलते हैं, दुर्गा पूजा हो या गणेश जी हो या शिवरात्रि हो या नवरात्र हो या कांवड़ लेके जाके जल चढ़ाना हो, ऐसे हमारी बहुत सारी जो आस्थाएँ हैं और जो हमारी मान्यताएँ हैं, उसमें बड़ा आनंद आता है शरीर को और दिमाग को। एक तो धरती भी प्रफुल्लित हो जाती है, ईश्वर भी होते हैं, आकाश भी होते हैं, सब लोगों को बड़ा आनंद आता है, परिवार मिलते हैं, छुट्टियां होती हैं, लोगों का आना जाना होता है, तो एक साथ इतनी सारी रचनाएं हैं इसके पीछे, मुझे बड़ा आनंद आता है। ये सेवा करने में बहुत कम मौका मिलता है, खासकर मैं गणेश जी की बड़ी सेवा करता हूँ, क्योंकि कहीं उनके पिताजी नाराज़ ना हो जाए, तो यही है। आजकल लोग इको फ्रेंडली गणेश, हम भी इको फ्रेंडली मंगाएं, क्योंकि मैं, मुझे नहीं अच्छा लगता वो समंदर में से गणेश जी के हाथ टूटे हुए पैर, फिर वहाँ पे लोग, वहाँ समंदर के पास गंदगी भी लोग करते हैं काफ़ी, वहाँ पे मलमूत्र होता है, तो ये अपमान हमको, तो इस इको फ्रेंडली, मैं आप सब लोगों से विनती करता हूँ कि हमने भी पिछले 4-5 साल से इको फ्रेंडली किया है, ताकि वो गणेश जी को सम्मान भी रहता है, एंड इट्स वो नहीं तो बड़ा रूडली लोग फेंकते हैं, अगले दिन डुबो देते हैं, बिकॉज़ आपकी जो आस्था है, ज़रूरी नहीं कि वो जो ले जाके छोड़ रहा है या जो फेंक रहा है उसकी भी उतनी आस्था हो, उसको अपने चंद रुपयों से मतलब होता है। और वो समंदर को बर्बाद करना, मछलियाँ मरती हैं उसमें, केमिकल होता है, फाइबर होता है, बहुत सारे प्राणी मरते हैं पानी के अंदर, समंदर के अंदर, तो मेरे सबसे हाथ जोड़ के विनती है, कृपया अगर हो सके आप सब लोग तो इको फ्रेंडली गणेश जी को आप ज़रूर लाएं। खास करके जो बात करते हैं तो भोग लगाना बहुत ज़रूरी होता है टाइम टेबल से, तो आपके घर में किस तरह तैयार होता है भोग लगाना, किस तरह आप सेवा करते हैं? जी, हम लोगों के घर में पूरा उनका भोजन बनता है, भोग का समय होता है, जैसे आपका हमारे मनुष्यों का है, ईश्वर के भी भोग का समय होता है। उनकी पहले आरती होती है, उनको धन्यवाद दिया जाता है, और उसके बाद चरणामृत बनता है उनका, उनके लिए पूरी भाजी में, उनके घर के लिए सारे स्वादिष्ट भोजन बनते हैं, जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वो भोजन नहीं बनते वो गणेश जी के लिए बनते हैं, और वो सारे भगवान देवी देवताओं के लिए बनते हैं, और उससे कोशिश हम लोग करते हैं कि प्रभु उन जो एनर्जी है, जो शक्ति है, जो हम लोगों को हमारे में बास करती है, चलाती है हम लोगों को, उसको थोड़ा सा धन्यवाद देने की थोड़ी सी ज़रूरत कर सकें, हिम्मत हम लोगों की तो औकात नहीं है कि हम लोग ईश्वर को उनकी सेवा कर पाएँ, बस धन्यवाद देते हैं, और उसमें भी मांगते रहते हैं कुछ ना कुछ, तो हम लोग तो स्वार्थी प्राणी हैं जिसका नाम मनुष्य है, 2 पैर का प्राणी है ये, तो ऐसा है कुछ। मैं शांति मांगता रहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि सब सेहत सबकी अच्छी रहे, क्यों, सेहत अच्छी रहती तो आदमी लड़ाई लड़ सकता है, सेहत अच्छी रहती तो परिवार में सब लोगों को पाल सकता है, तो सबसे पहले हम सबका सेहत मांगते हैं, फिर बाद में सद्बुद्धि मांगते हैं, क्योंकि सद्बुद्धि रहेगी तो बलात्कार नहीं करेगा, टेररिज्म नहीं करेगा, मारपीट नहीं करेगा, वो लूटेगा, चोरी नहीं करेगा, वो चीटिंग नहीं करेगा, फ्रॉड नहीं करेगा, वो बुरा नहीं सोचेगा, तो सेहत मांगते हैं प्रभु से इस धरती के लिए, और सद्बुद्धि मांगते हैं, ये 2 चीज़, सद्बुद्धि और अच्छा सेहत मिल जाए तो आदमी, ईश्वर ने जो सोचा है, जिसने इसीलिए हम लोगों को बनाया कि हम लोग उनकी इस रचना को और बढ़ाएं, अच्छा संदेशा फैलाएं, ना कि जानवरों वाला संदेशा फैलाएं, ना कि नीच वाला संदेशा फैलाएं, तो अगर ये ईश्वर अगर चाह रहा है हम लोगों से
कि अच्छे आए हो तो मरने वाले हो 50-60 साल में, 50 के बाद बोनस की ज़िंदगी है, मर ही जाओगे, या 60-70 निकल लिए तो बहुत बड़ी बात है। तो अच्छे से कर्म करके जाओ, क्योंकि तुम्हारा नाम भी चला जाता है। जैसे मरते हो तो बोलते हैं अरे भाई बॉडी कब आएगी, लाश कब आएगी, अरे वो कब आएंगे, ये नहीं बोलते कि ये कब फलाने आएंगे, नाम भी चला जाता है। 150 रुपये का कफन होता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोग ना गाड़ी किसी को देखे हो मर्सिडीज़ बांध के लेके जाते हुए, बंगला बांध के देखे हो किसी को जाते हुए। हमने तो नहीं, फार्म हाउस जा रहा है साथ में या स्विमिंग पूल जा रहा है, 5-6 गाड़ियाँ हैं, वो सब लाद के बॉडी के साथ तो नहीं जाती। तो ऐसी सारी चीज़ें हैं, थोड़ा सा इसको जान लें तो जीवन का बड़ा आनंद है। जीवन में इतनी जो नोचा नोची है वो ज़रा शांत हो जाएगी। सन की दरोगा के लिए हम समस्त भोजपुरिया जहान के मीडिया के, हिंदी मीडिया को, हिंदी ऑडियंस को, भोजपुरी ऑडियंस को, मेरी सारी ऑडियंस है, मेरी तेलुगु ऑडियंस भी है, मेरी सब जगह मेरे फैंस हैं जो प्यार करते हैं, और सबने बड़ा सराहा कि एक मुद्दे के, ज्वलंत मुद्दे के साथ सिनेमा को देखा गया। और अब हमको लगता है भोजपुरी सिनेमा में सारी फिल्में, जो आने वाली फिल्में हैं, हमको खबर जो आई है हर ऑफिस में अब कहानियों पे काम हो रहा है और सब लोग मुद्दों पर आ रहे हैं, पारिवारिक मुद्दा हो या, तो एक अच्छी खबर आ गई कि सन की दरोगा ने वो जागरूकता पैदा कर दी कि मुद्दा लेके आइए, ज्वलंत लेके आइए। अब वो फिल्म का भाग्य अपना है, और हमने सोचा नहीं था फिल्म चल गई, हमने सोचा नहीं था, हमको लगा था कि ये डॉक्यूमेंट्री टाइप है, नहीं चलेगी, बलात्कार का मुद्दा है थोड़ा सा। हमारी ट्रीटमेंट भी बहुत अनुराग कश्यप, चूँकि अनुराग के साथ हम काम किए हैं, बड़ा लाइक करते हैं उनको, थोड़ा सा रियलिस्टिक रहा अप्रोच वो फिल्म का। पहली बार इस तरह का सिनेमा भोजपुरी में आएगा जो बड़ा रियलिस्टिक रहा, तो हमको लगा चलेगी नहीं फिल्म, 2-4 ही दिन में उतर जाएगी, लेकिन एटलीस्ट मैसेज तो पहुँच जाएगा। लेकिन ये चली, और अभी बम्बई और गुजरात पुणे में कल 52 सिनेमा मिल गया, 52 बेस्ट सिनेमा हॉल, और यूपी में 5 अक्टूबर से सारे बड़े सिनेमा हॉल, कुछ 30-35 सिनेमा में हम लोग यूपी और दिल्ली में आ रहे हैं। मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, भोजपुरी के लिए बहुत बड़ी बात है कि ऐसे मुद्दों को लेके आया। अब मेरा कलेजा और बढ़ गया, हम जी के साथ फिल्में बना रहे हैं, अब मैं एक चैम्पियन फिल्म आ रही, वो भी फैमिली ओरिएंटेड एक एक्शन फिल्म है। इसी तरह मेरी अलग अलग फिल्में आ रही है, प्रेम पोथी है, बब्बर शेर एक अलग फिल्म है, रगड़ता बिहार है, शेरशाह सूरी पे हम स्क्रिप्ट पे काम कर रहे हैं, भिखारी ठाकुर भोजपुरिया शेक्सपियर एक सोच रहे हैं। तो ये सारे थॉट्स हैं जो रजिस्टर हो चुके हैं, इसलिए मैं शायद आप लोगों को बोल रहा हूँ कि अभी ये सारी कहानियों पे हमारे काम शुरू हो गया। अब देखिए भगवान, थोड़ा तेलुगु हिंदी और वेब सीरीज़ ये सबको बैलेंस करते करते हम भोजपुरी भी साल में 2 या 3 करने की 100% कोशिश करेंगे। इको फ्रेंडली रहा हमारा, और हम ज़्यादा सुस्त, बड़ा देसी, चूँकि मैं पंडित हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मेरे तो पापा से सीखा है मैंने, सुस्त जो भी मन से करें, मतलब है ना, जैसे शूटिंग भी करता हूँ तो मन से, तो ईश्वर की आस्था भी, कोशिश करता हूँ कि कहीं वो भगवान को ना लगे कि मुझे चीटिंग कर रहा है, मुझे बेवकूफ़ बना रहा है। भगवान तुरंत पकड़ लेते हैं, जैसा कैमरा पकड़ लेता है कमज़ोर एक्टरों को, तो वैसे भगवान भी पकड़ लेते कि अच्छा अभी आया है, साल में नाटक कर रहा है, इसको कुछ चाहिए करके, वो तो वो सब चीटिंग, भगवान के साथ गेम नहीं खेलने। एक्चुअली आज गणपति का गणेश उत्सव महाराष्ट्र में, और रवि किशन भैया के मैं आया हूँ, पिछले 11 साल से रखते हैं और काफ़ी धूमधाम से मनाते हैं, तो आज बहुत ही अच्छा दिन है, क्योंकि गणेश जी हर काम में शुभ लाभ इन्हीं से होता है, तो बस। और गणेश भगवान को लेकर बहुत सारे किस्से हैं, बहुत सारे लोगों में, राजू सिंह माही की जिंदगी में कोई किस्सा है गणेश भगवान से जुड़ा हुआ? जी हाँ, गणपति की पूजा मैं शुरू से करता हूँ, क्योंकि महाराष्ट्र में काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है और यहाँ तो एकदम सबसे बड़ा उत्सव यही है, तो गणेश जी पूजा मैं भी शुरू से करता हूँ। अपने पिता काफ़ी सार्थक रहे हैं, काफ़ी आज्ञाकारी रहे हैं। रवि किशन के साथ आपकी फिल्म भी जो शूट कर रहे हो आप लोगों को, चैंपियन, उसके बारे में जरा बताइए। चैंपियन एक बहुत ही पारिवारिक मूवी है, और आजकल मुद्दा भी यही सब चल रहा है जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, और जनवरी में रिलीज होगी पिक्चर, और शूटिंग लगभग 80% ख़त्म हो चुकी है, 20% बाकी, जो वो भी ख़त्म हो जाएगा जल्दी ही। और अपकमिंग फिल्म में, अपकमिंग में एक प्लानिंग चल रही है जो बहुत जल्दी अनाउंस होगा और आप लोग के बीच में उसका नाम होगा। और चैंपियन के बारे में अगर बात की जाए तो क्या चैंपियन में राजू सजाया विलन है? नहीं जी, चैंपियन में मैं रवि जी का भाई हूँ, और काफ़ी अच्छी स्टोरी, पूरी पारिवारिक फिल्म है और दर्शकों को मज़ा आएगा। और
ज़्यादातर मैंने राजू सिंघानी को डैशिंग कपड़े पहने देखे हैं, काले काले कपड़े पहने देखे हैं। आज राजू सिंघानी को कुर्ते में नजर आ रहे हैं, लुक एकदम बदल गया है। क्योंकि आज गणपति का दिन है और पूजा पाठ का दिन है, इसलिए लुक चेंज है और कुर्ते में ही पूजा पाठ करना बड़ा अच्छा लगता है। तो और भी स्टार्स के घर पर आप जाने वाले हैं गणपति भगवान के दर्शन के लिए? जी हाँ, अभी यहाँ से 2-3 जगह जाने हैं, तो यहाँ से निकले जी हाँ, आज पूरा दिन गणेशमय रहेगा। और बाकी अपने जितने भी मित्र हैं, सुबी शर्मा जी के यहाँ जाना है, संगीता तिवारी के जाना है, सब के यहाँ जाएंगे। गणपति बप्पा मौर्या, मंगल मूर्ति मौर्या।